नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अगर बात की जाए तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, एक बार फिर एमटीएफसी कंपनी को लेकर निकल के सामने आ रही है। जिस तरीके से इस कंपनी ने लोगों से निवेश कराया था, उसके बाद अचानक ये कंपनी गायब हो गई और खबर ये है कि कंपनी बंद हो चुकी है। उसके बाद अगर बात करें तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट नीमच से निकल आ रही है, जहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो एमटीएफसी के सीईओ हैं हुजैफा जमाली, उनसे पूछताछ की है। वहीं अगर बात की जाए तो कुछ जानकारी हमारे हुजैफा जमाली को लेकर हमारे पास आई है। जिस तरीके से बात करें, जो कंपनी थी, कंपनी की कुछ गाइडलाइन थी और किस तरीके से हुजैफा जमाली ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, निवेशकों को बेवकूफ़ बनाया, इसका प्रूफ भी यहाँ पर दिख रहा है। जिस तरीके से तस्वीर आप देख पा रहे हो, तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें हुजैफा जमाली सीईओ के पद पता कंपनी के जो कंपनी उसमें किस तरीके से सेमिनार आयोजित कर रहा था और लोगों को किस तरीके से निवेश करने की जो ये पूरी योजना बनाता था, वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं हुजैफा जमाली की। साथ अगर बात किया है जो कंपनी गाइडलाइन थी, किस तरीके से हुजैफा जमाली सीईओ बना, अगर बात करें जो कंपनी गाइडलाइन थी उसमें बताया जाता है कि अगर आपके पास 100 सदस्य एक्टिव है तो आप सीईओ के लिए पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जो कंपनी गाइडलाइन थी, जो कंपनी के रूल्स थे, उसके तहत उसको सीईओ बनाया गया था। 100 एक्टिव सदस्य उसके पास थे, लेकिन उसने 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जो एक्टिव सदस्य कर रखे थे, उसके पास नीमच में, मनासा में, जावद में, जीरन में भी सीईओ यहाँ पर नियुक्त थे। जिस तरीके से उनके भी कई लोग जो है जो 100 से ज़्यादा सदस्य बना चुके थे, वे तमाम सभी लोग सीईओ थे। ऐसे में बात करें तो हुजैफा जमाली इनसे बड़े पद पर था। जिस तरीके से लोगों को भ्रमित करता था, किस तरीके से निवेश करने के लिए जो सेमिनार आयोजित करता था, वो तस्वीर भी वॉइस ऑफ एमपी के हाथ लगी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे हुजैफा जमाली अगर बात किया जाए मनासा, जावद, बादा माता में सेमिनार आयोजित करता था और वहाँ पर लोगों को बुलाता था और उनको लालच के रूप में किस तरीके से आप जो है कितने कमीशन, इस कमीशन बेस पर काम कर सकते हैं, कितना प्रतिशत आपको इसमें जो है लाभ मिलेगा, इस तरीके से पूरे सेमिनार के तहत जो उसको समझाया जाता था और लोगों के दिमाग में बिठाया जाता था कि किस तरीके से आप जो है करोड़पति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं। ऐसे बात किया है तो हुजैफा जमाली की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। जिस तरीके से हुजैफा जमाली जो है वो एमटीएफसी कंपनी के सीईओ के पद पर था और जिस तरह से अब जो है तमाम जो निवेशक है वो खुलकर सड़कों पर आ चुके हैं, हुजैफा जमाली के खिलाफ आवेदन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन भी जो है वे लगातार अब इसमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और निवेशकों के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। वहीं अगर बात किया जिस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीर वॉइस ऑफ एमपी लगी है, किस तरीके से हुजैफा जमाली लोगों के लिए सेमिनार का आयोजित करता था। और अब जो हुजैफा जमाली का एक तरफ कहना है कि मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी एक निवेशक के रूप में इस कंपनी से जुड़ा था, लेकिन बड़ी और अगर बात की जाए तो एमटीएफसी इंडिया के सीईओ उम्मीदवार को जो तरीके से बात कही जाती थी कमीशन के माध्यम पर जो है पूरी इसी योजनाओं को बनाया जाता था, सपने दिखाए जाते थे कमीशन के और जो गाइडलाइन होती थी इस एमटीएफसी कंपनी की, यदि बात करें तो यदि आपकी टीम 30 लोगों से अधिक की है तो आप 100 वर्कशॉप बिल्डिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यदि आपकी टीम 50 लोगों से बड़ी है तो आप 200 वर्कशॉप बिल्डिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपकी टीम का आकार 70 लोगों से बड़ा है तो आप 300 वर्कशॉप की बिल्डिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपकी टीम का आकार 100 लोगों है तो आप एमटीपी ऑपरेशन सेवा केंद्र के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इस तरीके से इसमें बात कही है कि आपकी टीम वर्तमान 30 सक्रिय सदस्य, आप सेमिनार आयोजित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी टीम 50 सक्रिय सदस्य तक पहुँचती है तो आप सेमिनार के आयोजित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर बात किया 70 सक्रिय सदस्य, आप सेमिनार आवेदन करने के लिए भी जो है कार्यशाला के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और 100 से ज़्यादा सदस्य तो आप सीईओ के पद के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में बात किया है तो 100 से ज़्यादा सदस्य हुजैफा जमाली के थे। ऐसे में बात किया है तो तस्वीर भी वैसे भी लगी, यानी कि सीईओ के रूप में जो हुजैफा जमाली नीमच में एमटीएफसी कंपनी के रूप में जुड़ा हुआ था और लोगों को किस तरीके निवेश करने के लिए सेमिनार आयोजित करता था, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।